गुरु जी क्या थे, उन्होंने क्या किया दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड में जो उन्होंने किया है, उन सब चीजों को मद्देनजर अगर रखा जाए तो ये किसी एक इंसान के कहने से कोई बुरा तो नहीं हो जाता। कोई एक इंसान किसी भी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के खिलाफ कोई एक चिट्ठी लिख देता है तो क्या वो बुरा हो जाता है? तो गुरु जी तो एक धर्मात्मा है, वो एक संत है, उनका तो जीवन ही समाज के लिए बना है, समाज सुधार के लिए बना है। तो उनके तो मतलब अब तक किसको नहीं पता कि डेरा सच्चा सौदा ने अब तक क्या क्या किया है, कौन सा बंदा है, चाहे वो डेरे से जुड़ा है चाहे नहीं जुड़ा है, सबको पता है भी डेरा सच्चा सौदा ने और गुरु जी ने क्या क्या किया है अब तक समाज सुधार के लिए। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। जो अभी अभी मुद्दा उठाया जा रहा है डेरा सच्चा सौदा के बारे में, जो धर्म के बारे में, उसकी क्या सच्चाई है, ये हम लोगों के बीच में पहुंच कर सवाल कर रहे हैं कि आखिर डेरा सच्चा सौदा में किस धर्म की शिक्षा दी जाती है, डेरा सच्चा सौदा में किस धर्म के लोग आते हैं, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसान का क्या मानना है धर्मों के बारे में, ये हम सूत्रों के हवाले से नहीं सीधा लोगों से बात करके आप तक सीधी खबर पहुंचाएंगे, सीधा लोगों से बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम जी आपका? परमजीत। परमजीत जी, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? प्लस टू जी। डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या जानते हैं आप? डेरा सच्चा सौदा से हम पिछले 50 सालों से जुड़े हैं जी। तो हमने तो जो कुछ सीखा है समाज में, जो सुधार हुआ सब हमने तो यहीं से ही सीखा है जी। जी, जो डेरा सच्चा सौदा के बारे में धर्म की बात आती है, किस धर्म की शिक्षा दी जाती है? यहाँ पे तो सभी धर्मों को मानते हैं, इकट्ठे बैठ के इकट्ठे लंगर खाना, इकट्ठे सेवा करनी, कोई ऐसा है ही नहीं भी किसी को अलग रखा जाए या भी जाति धर्म के नाम पे भी कोई अलग से किसी को कोई रखा जाए जैसे। जी जी जी, और गुरु जी के बारे में क्या जानते हैं आप? गुरु जी के बारे में तो हम मतलब हमने जो कुछ भी शिक्षा ली है हमारे लिए वो सब कुछ है जी। गुरु जी के बारे में जो दिखाया जा रहा है अभी, उसके बारे में क्या कहोगे? जो अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ चली है धर्म के बारे में दिखाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहोगे? वो गलत है सब कुछ। आपने कभी सुना हो कि गुरु जी ने कभी भी किसी धर्म के बारे में या किसी इंसान के बारे में अलग तरीके से बोला हो? नहीं, कभी भी नहीं, आज तक हमने कभी भी नहीं सुना, क्योंकि हम रेगुलर सत्संगों पे आते हैं, हमारा सारा परिवार जुड़ा है डेरा सच्चा सौदा से, और हमेशा हमने आज तक गुरु जी के मुख से एक वर्डिंग किसी भी धर्म के लिए कोई गलत वर्डिंग आज तक नहीं सुनी, क्योंकि गुरु जी भी सभी धर्मों को मानते हैं और आगे उन्होंने भी हमें वही शिक्षा दी है जी। और जो पिछले 3 सालों में और भी बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, और भी बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर, बेटियों को लेकर भी लगाया गया है, आप भी एक लड़की हो, बीइंग गर्ल क्या बताना चाहोगे लड़कियों की सुरक्षा को लेकर? हमारे लिए तो जब से गुरु जी गए हैं तब से समाज एक तरह से रुक सा गया है, मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कि हमें कुछ अच्छा सुनने को मिले या कोई समाज को मोटिवेट कर रहा है भी कोई संत कोई गुरु, हमें पिछले 3 सालों में हम वो सब कुछ हमने मिस किया है जी। और समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है जब से वो नहीं है समाज के? समाज में तो नशे बढ़े हैं और हर तरह का क्राइम बढ़ा है, क्योंकि पहले गुरु जी सत्संगे करते थे, हजारों लोग हर महीने नाम ले जाते थे और उनको एक गुरु जी रेगुलर मोटिवेट करते थे भी समाज में आप ये करो भी, एक इंसान को इंसान होने के नाते कैसा होना चाहिए, वो सब कुछ था। अब गुरु जी के जाने के बाद तो हमें तो ऐसा लग रहा है भी समाज एकदम जैसे वक्त रुक सा गया है, समाज एकदम चेंज हो गया बिल्कुल, जैसे रफ्तार रुक गई है समाज में सुधार की जो थी। गुरु जी ने और किस तरह का काम किए हैं समाज को सुधारने के लिए, क्या कंट्रीब्यूट किया है गुरु जी ने? उन्होंने अब तक जब से मतलब तीनों पातशाहियों के जो गुरु जी, उन्होंने अब तक समाज सुधार ही किया है, उन गुरुओं का मकसद ही यही होता है समाज में सुधार करना। तो उन्होंने हर तरह का, अब तो मतलब गुरु जी के आने के बाद, संत गुरमीत राम रीम सिंह जी के आने के बाद तो ये रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जैसे विधवा लड़कियों के दोबारा शादी करवाना, वैश्यावृत्ति से हटाकर उनकी शादी करवाना, और ब्लड तो आपको पता ही है पूरे वर्ल्ड में अपना हुआ है,
भी जब संगत हजारों लाखों की गिनती में इकट्ठे ब्लड देते हैं, मतलब कोई अंत ही नहीं है। अगर अथाह समुंदर कहे ना नेकी अच्छाई और धर्म का, तो वो भी शायद कम पड़ेगा गुरुजी के सामने। जी, तो क्या जरूरत है समाज को गुरुजी की? बिल्कुल, एक एक अकेला इंसान, अब पीछे गुरुओं को हम अब भी याद करते हैं भी उन्होंने धर्म के लिए लड़ाई की, उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। जी, जी। तो अब तो आपको पता ही है भी अभी इतने बुरे वक्त में जब दुनिया में इतनी बुराई चल रही है, तो गुरुजी को तो ज़रूरत है ही सारे समाज को, और हमें तो चाहिए कि गुरुजी को जल्द से जल्द आना चाहिए। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांगते हैं भी वो जो भी है झूठ का प्रचार जो चल रहा है अपने डेरा सच्चा सौदा के बारे में, उनकी निरपक्ष जांच की जाए, हर एक चीज़ के हर एक पहलू से देखा जाए भी गुरुजी क्या थे, उन्होंने क्या किया दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड में जो उन्होंने किया है, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र अगर रखा जाए तो ये किसी एक इंसान के कहने से कोई बुरा तो नहीं हो जाता। कोई एक इंसान किसी भी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के खिलाफ कोई एक चिट्ठी लिख देता है तो क्या वो बुरा हो जाता है? तो गुरुजी तो एक धर्मात्मा है, वो एक संत हैं, उनका तो जीवन ही समाज के लिए बना है, समाज सुधार के लिए बना है। तो उनके तो मतलब अब तक किसको नहीं पता कि डेरा सच्चा सौदा ने अब तक क्या क्या किया है, कौन सा बंदा है, चाहे वो डेरे से जुड़ा है चाहे नहीं जुड़ा है, सबको पता है भी डेरा सच्चा सौदा ने और गुरु जी ने क्या क्या किया है अब तक समाज सुधार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये है पब्लिक जो आपके सामने आ रही है लगातार और सरकार से मांग कर रही है कि समाज को आज गुरु जी की सख्त ज़रूरत है, जल्द से जल्द गुरु जी समाज में वापस आने चाहिए और समाज को नई दिशा दें। आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से हमने लोगों से बात की, लोगों का कहना है कि डेरा सच्चा सौदा सर्वधर्म संगम है, यहाँ हमेशा से सारे धर्मों का सम्मान किया जाता है, रिस्पेक्ट की जाती है, और जो अभी अभी आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है वह बेबुनियाद है, ये लोगों का मानना है जो हम आपको सीधा लोगों की जुबानी दिखा रहे हैं। आप लोग सोचिए आखिर क्यों इस तरीके से किया जा रहा है, खुले दिमाग से सोचकर अपनी राय जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।